अति के बेटे के एनकाउंटर के बाद खतरा बढ़ा है, हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उमेश पाल की पत्नी की मांग। अति के बेटे के एनकाउंटर पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी का निधन। ओवैसी बोले, गोली से ही इंसाफ होगा तो अदालतों को बंद कर दो। प्रदर्शन कर रहे डीवाईआईएफ के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। असद के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने दी यूपीएसटीएफ को बधाई। उमेश पाल हत्याकांड कोर्ट ने अतीक अहमद को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार में खुशी का माहौल, कहा थैंक यू सीएम। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपीएसटीएफ के चीफ बोले, जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र के पालघर में 3 साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद सुनवाई। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।